हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। हमारे घर में आज बहुत ही ज्यादा डस्ट चढ़ी पड़ी है क्योंकि कल आई थी आंधी तूफान बहुत ही ज्यादा, और आज तो मेरे को लग रहा है पूरा दिन लग जाएगा साफ सफाई करते हुए। मेरे तो इतने ढेर सारे कपड़े हुए हैं धोने वाले भी। मम्मी को और मंजीत को हो गई है एलर्जी, इस वजह से वो लोग तो अपने जब नहाते हैं ना तब भी कपड़े धो देते हैं गर्म पानी से, और अभी हमारे हमारे कपड़े पड़े हैं धोने वाले। काफी दिन हो गए, मेरे को तो हफ्ता हो गया कपड़े भी धोए अपने, तो अभी मैं कपड़े भी धोऊंगी और साफ सफाई भी करनी है बहुत ज्यादा। देखो कितनी डस्ट चढ़ी पड़ी है, देखिए देखिए कितना गंदा हुआ है घर, मिट्टी मिट्टी हर जगह पे मिट्टी मिट्टी हुई है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आती, मेरा घर बंद है लेकिन ये मिट्टी आती कहाँ से है? सबसे बड़ी गलती तो मैंने ये कर दी थी कि मैंने ना ये काला फर्श लगा दिया, ग्रेनाइट जो है, ब्लैक कलर का फर्श नहीं लगाना चाहिए, इसमें डस्ट थोड़ी सी भी हो जाती है ना बहुत ज्यादा चमकती है। फ्रेंड वीडियो तो नहीं बना पाए थे आपको, मैं बता रही थी रात कल मैं लाइव आई थी तो मैं बता रही थी कि वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कुछ बिजी चल रहे हैं, रिश्तेदारी में घूम रहे हैं आजकल। देखो इनको भी पानी नहीं दे पाए बेचारे का, इसका पत्ता देखो कैसे पीला पीला हो गया। इतना भी मतलब बिजी नहीं रहना चाहिए बंदे को, लेकिन मैं क्या बताऊं, बस रिश्तेदारी में थोड़े सारी बातें नहीं बता सकती, उलझे हुए थे। तो अभी मम्मी ने बना दिया खाना, ये लक्की की रोटी है दूध में भिगो दिया है, और लक्की ऐसे ही खाता है देखो नखरे करता है बहुत। लाइट है नहीं आज, मम्मी बना रही है रोटी और अपन खा रहे हैं। मम्मी ने रोटी डाल दी, मेरे लस्सी डाल दिया मम्मी ने। मम्मी कैसे है तबीयत? तू भी तबीयत अच्छी है फ्रेंड, थैंक यू। वो कर दिया करो के हो, फॉलो कर लिया करो। मेरी मम्मी ने कहा दिया हम सब्सक्राइब करके जाइयो जिसने नहीं किया है। और हम वैष्णो देवी गए हुए थे ना, वो देखा होगा जो मतलब भैंसों का तबेला है, उसमें मैंने रील बनाई थी, रेड कलर का दुपट्टा था, ब्लैक कलर का सूट था, आपने देखी होगी कितनी अच्छी वीडियो बनी हुई है। वो तो हम वैष्णो देवी चढ़ते थे उस टाइम, रस्ते में बनाई थी मैंने रील क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी लोकेशन लगी मेरे को, देसी देसी लोकेशन बहुत पसंद है तो इसीलिए मैंने वहां पे वो रील्स बनाई थी। और जो वो ब्लैक कलर का सूट है ना उसके लिए काफी बहन जियों ने मेरे से पूछा है, मतलब सिस्टर है आंटी जी है काफी जनी, मतलब काफी लोगों ने पूछा है मुझसे कि ये सूट कहाँ से लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास पार्सल आया था जी, पता नहीं कहाँ से आया था, मतलब पार्सल आया था उसके अंदर था ये कपड़ा, तो मैंने वो सिलवा लिया। आजकल मैं वही सूट सिलवा रही हूँ, जो भी आते हैं वही सिलवा लेती हूँ, चुन्नी का मतलब दुपट्टे का भी कमीज बना लेती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। आ जाओ भाई रोटी खा लो, मैं रोटी खा रही हूँ और सब्जी बड़ी टेस्टी बनी हुई है क्योंकि हमारे घर के बैंगन है ना, तब करके टेस्टी बनी है। आप कभी ना बैंगन का पौधा लगाइयो और उसमें से जो बैंगन लगेंगे ना वो बना के देखियो कितनी टेस्टी बनते हैं। तीन रोटी पूजा ने खा ली, चौथी रोटी मेरी है आज, तो मैंने कमाल कर दिया। तीसरी बार बनी है बैंगन की सब्जी आज, तीसरी बार मम्मी, तीन बार बन ली है बैंगन की सब्जी, दो बार वीडियो में दिखा दिया, बना लिया है सब्जी तीन बार और अभी और भी लगे है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है इसलिए मैंने ये इतनी सारी रोटी खा ली। बैंगनों का व्यापार करेंगे हम अब। बैठा लस्सी कैसी लग रही पूजा मैं? अच्छी लग रही है। देखो फ्रेंड ये बाली जो है असली लग रही है ना, ऐसे लग रहा है गोल्ड की है, पर आई है ये मेले में से। हाँ ये मेले में से लेके आई थी, 100 रुपए की। हाँ 100 रुपए की दी थी और मेले में से लेके आई थी, देखो ऐसे लग रहा है सच्ची में गोल्ड की है, और मेरे मुंह पे बहुत ही ज्यादा सूट कर रही है क्योंकि मेरी जो लुक है ना ये पंजाबन जैसी है। तो कैसे लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? दीदी ने दिलवाई थी ये मेरे को मेले में से, मैंने सोचा कि वीडियो में बॉडी अच्छी आती है ना ऐसे ऐसी लुक करके तो बड़ा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने फिर ले ली थी। दीदी को बोला मेरे पास तो उस टाइम पैसे भी नहीं थे, दीदी ये दिलवा दे, तो दिलवा दी थी दीदी ने। कैसे लग रही है प्रियंका? अच्छी दिख रही है ना? सो अभी तैयार त्यूर होके अब रील बनाने चले, वीडियो बना के लेके आएंगे, धूप बहुत ज्यादा हो रही है, इंतजार कर रही हूँ आई नहीं, और मैं ये चिंगम खा रही हूँ ताकि मुंह पतला हो जाए, मुंह पतला हो जाएगा तो सेफ अच्छी आ जाएगी मुंह की, हम मोटा मोटा मुंह हो गया अच्छा नहीं लग रहा मेरे को तो बिल्कुल भी। मैं इंतजार कर रही हूँ उनका, लेकिन वो ना लक्की को चखमा दे के आ रही है क्योंकि लक्की जो है ना रहता नहीं है, तो उसको पटापटू के चीज वीज दे के जो भी चीजें खाता वो चीज दे के आएंगी।
मम्मी और पूजा चमकारे लग गए, पता क्यों चमकारे लग गए, काल क्यों ना है इसीलिए चमकारे लग रहे हैं। बटोड़े देखो गड़े गड़े खड़े कर दिए पड़ोसियों ने। हाँ नमस्ते, के ले आई है क्या ली दिखा, मिठी है खान के ये चूरन नाली, इसमें चूरन भी है, इसमें है, तू भी आई खान ला रही है। हाँ। इनते हेलो कर दे, हेलो गाइस। देखो हमारे पड़ोस के बाल कितने तेज है नी। फ्रेंड मैं आपसे एक चीज पूछने वाली हूँ, क्या आपको ये पता है कि ये क्या है, आप इसको क्या बोलते हो? हमारे इधर तो तूत बोलते हैं इसको, तूतिए, व्हाइट कलर के तूतिए, बहुत मीठे होते हैं ये, देखो बहुत सारे लगे हैं, मम्मी खा रही है तो। और नीचे देखो कितने सारे बिखरे हुए हैं, नीचे देखो ये देखिए कितने सारे गिरे हुए हैं, और भी ज्यादा गिर रहे हैं। कणक में आके हमको फसाया, ए तू काट ले कणक, चल जा, मेरा असर है दुखता, दा कह दे दबा दूं, बहाने मार रही है तू, बहाने मार रही है, बहाने मार ना, मेरा सच्ची में लग गई, सच्ची में झूठ ना बोले, मारे कोई मेरे को कोई गाना ही नहीं लग रहा, मैं ये सोचती हूँ कि मैं गाना इस पर बनाऊंगी, वीडियो उस पर बनाऊंगी, फिर मैं यहाँ जब मैं लोकेशन पे पहुंचती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ, अभी वो अंकल जी अकेले लगे हुए हैं तो उनके साथ थोड़ा बहुत वो क्या करें, जोटा मरवा दा हेल्प करवा देते हैं, थोड़ी बहुत अपनी बन जाएगी रील और बॉडी बुडी फिट रहेगी, नंबर भी बन जाएगी, नंबर भी अंकल का गए है, नंबर भी बन जाएगी, सोचा कि मैं इनकी बच्चे आती आप आ लेना और धमका वाला होगा कि देख मैं तीन बच्चे आए थे काम करके गए और तुम सब दिन रपड़े रहो नुक में गा जानते उनकी रोटी खानी आराम। चलो बना लेते हैं, देखो कल वाली वीडियो में ना काला सूट पहन रखा था, उसमें ना खाम खाई घोचड़ू नाथ कमेंट करे थे, सच्ची में मोटी होगी है, सच्ची में मोटी होगी, तेरा गरसा गरसा खाऊं हूं, तेरा गरसा खा रही हूं, नहीं खा रही ना, तो मेरे से मोटे मोटे बहुत बैठे हैं, पतली दिख रही हूं ना मैं, मेरे को पता है मैं पतली ही हूं, लेकिन कुछ सूट ऐसे हो जाते हैं मतलब मोटी मोटी दिखती हूं मैं उसमें, पता नहीं क्या चक्कर, भाई लग रहा देखो गेहूं काट रहा है भाई, तो मेरे को लग गई है सिस, मतलब मेरे को प्यास लग गई है, मैं पानी पी के आ रही हूँ, इस बहाने से थोड़ा सा बैठ भी जाऊंगी, थोड़ी चौकी देर हो गया, आधा घंटा हो गया उड़ला क्या। हेलो फ्रेंड, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, सांस में गर्द चढ़ती है, नाक में सांस ले है, सांस के कैप्सूल खींचे है, रेल बन रही है मंजीत की, कोटा किस तरह हो रहा है तू ना इतना घोचड़ू है, इतना नु पता रहा, गाने चलवा रहे कॉपीराइट आ जाएगा, 2 रुपया कमाऊ मैं, कमान दे मना, ये गाने वाले कॉपीराइट दे देंगे और फिर ये 2 रुपए भी जानते रहोगे। अभी ये तूत खाने बढ़ गई है, देख लो चलना नहीं है क्या मैडम, चल ये देखो कितना साफ है, देख सकते हो है ना, कच्चे है, चला जा चला जा चला जा, ए आ जा इब, ये तो मैंने खुद ने टाके ने खुद बढ़ गई, लालच के है, चल लालच है को बुरी बला, बुरी बला की बात को नहीं, कच्चे लग रहे हैं तू, चल ए पूजा तेरा रंग जमा साफ आवे, तू सोनी है ना, पूजा ऊपर लग रहा है, वो देख पता है कुछ लोग के सोचेंगे कि ने कुछ ही नहीं देखा, ये तो भूखी बहुत है पूजा, तो ये देखो फ्रेंड खा लो,
तू खा लो, पेट दुखा तेरा। कुछ कौन दुखा है? मिर्ची दे दे ना यार डाली। मैंने को मिर्ची दे दे ना ले यहाँ, मैंने पकड़ी है यार। ऊपर देख, ऊपर 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 है तो देख ला रही हूँ। हाँ या तो ये दे देख ले। मारा मनजीत पता क्या क्या करा फ्रेंड, मारा मनजीत ये क्या करा कि ऑर्गेनिक क्या करा कि हाँ ऑर्गेनिक चीज खानी चाहिए, ये किसी ने उगाया नहीं है, ये वैसे ऑटोमेटिक हो रहा है, बहुत मीठे है, आप कभी खा के देखियो, बड़े टेस्टी लगते है। तोड़ दे और हाँ चाड़ दे चाड़ दे। हाँ 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 वाह जी वाह, वो सुची जड़ा है, खा ले खा ले। वो के क्या करा छोरी, कचड़ कचड़ बच जाएगा तेरे दान दान नीचे नू। हम मीठे हैं, हम जब कटरा गए थे ना 20-20 रुपए की प्लेट बेच रहा था एक जना इनकी, मारा रहना में कोई पूछता ही नहीं ना। हम लोग पता कहाँ हैं, अग्रवा रोड पे बैठे हैं, ये अग्रवा रोड है और यहाँ पे कितनी देर के चढ़दम कर रहे हैं, काफी लोग हैं। फेमस होने के बाद अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं जी, फैक्ट्रों में रहने लग जाते हैं, हीरोइन बन जाती है, पता नहीं क्या समझती हैं खुद को। पर अपा तो देसी थे, देसी हैं, देसी रहेंगे, गांव के थे, गांव के हैं और गांव में ही रहेंगे। तो ना मेरे को पिलपिली चीज जमा ही नहीं अच्छी लगती, और नहीं खाती मैं। देखो फ्रेंड पूजा ने कितने चुग लिए, ये झाड़े है इसने ऊपर तक, अपना काम बनता भाड़ में जाए चलता। फिर तो हाथ और चिपड़े हो गए, इतने फूट सी गए हैं, बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। हमारा मन तो बहुत करता है कि हम यहाँ पे वीडियो बना ले बैठ के, लेकिन वो को के बोला रख ले हम कलाम आ जावे वीडियो पे, तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते। चल आ जाओ मम्मी, ओ मदर इंडिया आ जाओ। अंकल मेरा बटुआ गिर गया। ओ अंकल फोन गिर गया तेरा, झूठ बोल रहे हो, बटुआ गिरा। आ जाओ मम्मी। चलो ठीक है फ्रेंड, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही था, हम चले घर पे और रास्ते में खाएंगे गोलगप्पे।